ये स्मोक दिख रहा है, अभी एक जॉय ट्रेन निकली है यहाँ से और इतना स्मोक करके जाती है। ये कोयला गाड़ी इंजन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। अभी ये जाके टॉय ट्रेन में, अभी ये जाके जॉय ट्रेन में लगेगा और यहाँ पे दो तीन और इंजन्स खड़े हुए हैं, स्टीम इंजन, डीजल इंजन। ओके, डे थर्ड, बैक टू होटल। आज गया था सिक्किम के लिए टैक्सी बुक करने, कल सुबह सुबह निकल रहे हैं। 7:30 की दी है उन्होंने बुकिंग, 400 बक्स चार्ज कर रहे हैं, शेयरिंग बेसिस पे है। कह रहे हैं कि 4 घंटे तकरीबन लगेंगे पहुँचने में दार्जिलिंग से। बहुत ज़्यादा भीड़ है दार्जिलिंग में। ओवरऑल जितने दिन यहाँ पे मैं रुका हूँ उससे ये पता चला है कि ट्रैवलर्स कम है मगर यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा है। पहला, रोड बन रहा है, एक अच्छी बात है, मगर डामर जो है वो बार उसको जलाया जाता है और फिर उसके बाद रोड पे डालना है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है। दूसरा, जो ये जॉय राइड्स हैं, या तो लोकल ट्रेन एक बेसिक कम्यूट करने का एक तरीका है यहाँ पे, 7-8 किलोमीटर की एक छोटी सी ट्रेन चलती है, लोग उसी से आते जाते रहते हैं, मगर वो डीजल या तो कोयले पे चलती है और वो कोल जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन देगा। लिटरली सीना दर्द होने लग गया है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे। और एक अजीब सी चीज़, पता नहीं मुझे ही लग रही है या सीरियसली है, कि जितने भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया है वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल है, जैसे कि राइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो या तो पॉर्क मिक्स, जो पॉर्क स्मेल आती है। जो लोग खाते हैं उनको आई डोंट नो कि शायद पता ना चले, मगर जो लोग पॉर्क नहीं खाते उन लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा कि एक ये स्मेल है यहाँ पे। और व्हेन यू गो टू द मार्केट, वहाँ पे थ्रू आउट रोड पे देखोगे कि पॉर्क है या चिकन है, मटन है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में कटता है और यहाँ पे काफ़ी लोग खाते हैं, तो आई थिंक बाकी चीज़ें भी खाते होंगे। अगर डे टू की वीडियो देखी है तो कल मैं गया था चौरस्ता। चौरस्ता जो है वो मेन मार्केट है दार्जिलिंग में, वो बहुत अच्छी जगह है, नीट एंड क्लीन है, बहुत बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे, तिब्बत मार्केट है, जापनीज़ मार्केट है और यहाँ दार्जिलिंग की तो मार्केट है ही, 3-4 तरीके की अलग अलग मार्केट हैं और वहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है आपको, 50-100 रुपये से लेके 400-500-600 रुपये तक में बहुत वैरायटी की, मतलब कपड़े मिल जाएंगे, हैंडमेड सामान मिल जाएगा, पेंटिंग्स मिल जाएंगी, खाना बहुत अच्छा है वहाँ पे, रेस्टोरेंट हैं, कुछ कैफ़ेज़ हैं जो काफ़ी फेमस भी हैं। दूसरा, वहाँ पे व्यू भी है, वहाँ से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो अब और वहाँ से पीस पगोडा तकरीबन 1.8 किलोमीटर है, सो वॉक करके भी जा सकते हो वरना टैक्सीज भी मिलती हैं। पीस पगोडा जो है वो बुद्ध शांति स्तूप है और वो बहुत अच्छी जगह है, आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पर है मार्केट से, तो वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग में सिर्फ वही दो जगह हैं जो अच्छी घूमने के लिए हैं, इसके अलावा एक दो और जगह थी जैसे टाइगर हिल है, बट वहाँ पर अभी कोई जा नहीं रहा कोविड की वजह से। दूसरा एक है रोपवे चलती है, वो भी बंद है कोविड की वजह से। सो अगर दार्जिलिंग प्लान करना है तो चौरस्ता या तो पीस पगोडा, इसके आसपास ही रुकने का प्लान बनाओ,
बाकी जगह पे मत रुको, अदरवाइज ये पॉल्यूशन खा जाएगा।